जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए नेट का सिलेबस और पैटर्न दोनों ही चेंज हो चुके हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे ज़रूर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, ताकि आपको मदद मिले जानने में कि किस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है जिससे कि आप एक माइंड में एक परसेंटेज ले पाएँ नेट JRF का और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है सिलेबस चेंज हो गया है June 19 से, जिसका नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा पैटर्न यानी कि पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा। तो ये जो मोड है ये भी चेंज हो चुका है, ऑफलाइन के बाद अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो दोनों चेंजेस हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो गाइस, अगर June 19 की बात ना करके December 18 की बात करें, तो सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए नोटिफिकेशन June 19 का था, लेकिन December 18 में ही जो है वो पैटर्न चेंज हो गया था, वो नई चीज़ें इंक्लूड हो गई थी। और पैटर्न जो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, सिलेबस जो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि चेंज हो गया है, तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि सिलेबस वही है, मतलब पढ़ाई तो वही रहेगी, कुछ अदर चीज़ें एक्सटेंड हो गई हैं। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि पुराना सिलेबस हटा दिया जाए। उसका रीज़न ये है कि भाई अगर वो हटा देंगे तो नया लाएंगे क्या, क्योंकि पढ़ाई में ही वही है, कुछ अलग चीज़ें तो हैं नहीं। तो कुछ नई चीज़ें एक्सटेंड हो गई हैं जो कि दिसंबर 18 में हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें ऑनलाइन होने की, तो ऑनलाइन भी हमारा दिसंबर 18 से हो गया था। और आपने अगर नोटिस किया होगा गाइस, तो दिसंबर 18 में जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे गई है इन दोनों चेंजेस के होने की वजह से, क्योंकि बच्चे तुरंत OMR पे करते थे और काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं था, उन्होंने फॉर्म भर दिया था और उनके बाद उनको पता चला कि अच्छा अब कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। तो वो पहला एक्सपीरियंस था और एकदम से चेंज हुआ था, इसलिए कट ऑफ एकदम नीचे चली गई थी। हालांकि काफ़ी बच्चों को पेपर टफ आया था, काफ़ी बच्चों ने कहा कि पेपर सरल आया था, लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ है जो पिछली बार गई थी वो नीचे गई थी। उसका रीज़न ये था कि भाई वो नए नए चेंजेस हुए थे, ऑनलाइन पहली बार हुआ था, क्वेश्चन के पैटर्न्स पहली बार बदले थे। तो इस बार क्या होना चाहिए, क्योंकि अब जो है ये चीज़ फिर दोबारा होने जा रही है। तो ऑनलाइन का काफ़ी बच्चों को एक्सपीरियंस हो चुका है, चेंज पैटर्न का भी अगर बात करें तो लगभग काफ़ी बच्चों को एक्सपीरियंस दिसंबर में ही हो चुका है। तो गाइज हमेशा ध्यान दें, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये जो जब भी बदलाव होता है तो बदलाव हर चीज़ को अस्त व्यस्त कर देता है। यही रीज़न था कि बच्चे समझ नहीं पाए कि कैसे चीज़ों को करना है, और इसलिए कट ऑफ नीचे गई, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो नंबर थे वो कम हुए। लेकिन वही चीज़ अब दोबारा हो रही है, कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। जैसा आपने दिसंबर में आपका पेपर हुआ था सेम वैसा ही होगा, कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, जैसे स्क्रॉलिंग वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आता है या DI का जो टेबल चार्ट आता है उसकी स्क्रॉलिंग सही हो जाएगी, बस बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे उस समय हड़बड़ा गए थे ऑनलाइन होने की वजह से, इस बार पेपर थोड़ा सा पहले से सही होने की उम्मीद है सबकी। और अगर पेपर सही होता है सबका, तो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है, थोड़ी सी कट ऑफ इस बार बढ़ेगी, 2-3% कट ऑफ आप मान लें कि बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपना टारगेट कैसे सेट करें। तो भाई देखिए, सबसे पहले कट ऑफ जिनको नहीं पता क्या होता, वो ये समझ लें कि हर पेपर टू की अलग अलग कट ऑफ बनती है, और ये जो कट ऑफ होती है Paper 1 और Paper 2 दोनों को मिला के बनती है। कि सपोज आपका अगर ज्योग्राफी है तो ऐसा हो सकता है कि नेट में 60% चाहिए हो, JRF में 70% चाहिए हो। तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी हर बार जब पेपर होता है तो उसके बाद रिलीज होती है कि इस बार कितनी कट ऑफ गई है, तो ये कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है पेपर देने से पहले कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि इस बार कट ऑफ जो है वो 2-3% बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, 2-3 questions का ही चेंज है। तो बिल्कुल डरे ना कि अरे कट ऑफ बढ़ जाएगी, बस अपना बेस्ट दें कि अगर आपको ये जानना है कि आपको अपने पेपर का टारगेट कैसे सेट करना है, क्योंकि कट ऑफ सबकी अलग अलग पिछले बार गई थी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुमार भरत एजुकेशन ऐप पे आपको पिछले बार की कट ऑफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो एक PDF फाइल होती है, और उस PDF फाइल में आपका सब्जेक्ट होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और उन कैटेगरीज के हिसाब से नेट और JRF के परसेंटेज होते हैं, और ये भी लिखा होता है कि कितने लोगों ने नेट किया, मतलब कितने लोगों का नेट निकला और कितने लोगों का JRF निकला। तो जो कट ऑफ है पिछले बार की ये ज़रूर देख लें, और उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी के सामने जो परसेंटेज है उससे 2-3% बढ़ा लें, और उस हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करें। तो गाइस, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कट ऑफ के बारे में। इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, अब जो हो रहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है, पिछली बार एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों का हो चुका है। जब भी कोई नया चेंज होता है तो तुरंत चेंजेस दिखने में आते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होते हैं। तो ये क्योंकि दूसरी बार है, तो अब धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। और अगर आप परेशान हैं कि भाई पहले सही था, पहले कट ऑफ कम गई, काफ़ी लोगों ने पिछली बार JRF भी निकाल लिया, नेट भी निकाल लिया,
इस बार आप हो सकता है दुखी हो कि अरे कट ऑफ अब बढ़ जाएगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ये चेंजेस अभी भी नए हैं। आने वाले समय में अगर आप बात करें तो कट ऑफ और बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैबिचुअल हो जाएंगे ऑनलाइन के, फिर तो ऑनलाइन ही सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सबको ऑनलाइन आने लगेगा, और जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है सिलेबस वो फिर धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। तो ऐसा अगर हुआ तो चेंजेस स्टेबलाइज जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे नॉर्म और ऊपर होता जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ का परसेंटेज है और बढ़ता जाएगा। तो अभी भी ये मौका है, कट ऑफ कम ही रहेगा। तो अगर इस बार आपने प्रैक्टिस कर ली गाइस तो इस बार आप निकाल ले जाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि आज नहीं अगली बार नहीं उसके अगली बार, तो धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, और जैसे जैसे नॉर्मलाइज चीज़ हो जाती है वैसे वैसे बच्चे उस पैटर्न को पढ़ के उसमें आगे निकलते रहते हैं, और उसके बाद फिर कट ऑफ ऊपर बूस्ट कर जाती है। अच्छा एग्जाम्पल आप बैंकिंग वगैरह का ले लें कि पहले कितनी कम उसमें कट ऑफ जाती थी और अब बहुत ऊंची कट ऑफें जाने लगी हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे उसको पढ़ पढ़ के अपना स्कोर ऊपर ले जाते हैं। तो ये सही मौका है, इसको मत गवाइएगा, अपना 100% दीजिए, पढ़ दीजिए और नेट या जेआरएफ को इस बार निकाल दीजिए। सो गाइस एक छोटा सा वीडियो था आप सबको आइडिया देने के लिए कि कट ऑफ इस बार कैसे सेट होगी और किस तरीके से अपना टारगेट आप बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नेट से जुड़ी ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो पढ़ाई की बातें तो होती हैं, इसके अलावा हमारा फ्री कोर्स भी है जहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड हर चीज़ के जो भी पेपर उनका है, लेकिन ये जो यूनिक बातें हैं ये शायद काफ़ी कम चैनल्स पे होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का बटन जरूर दबा दें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।